तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहरि गई नमहु त्रयोग संहरि गई संहरि नमहु त्रयोग संहरि गई। जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुनिराज की चर्चा चल रही है, उसी चर्चा को मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साउणम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। हमने चर्चा की मुनिराज की साम्य वृत्ति की कि मुनिराज निर्धन में और धनिक में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, शत्रु में मित्र में सोना कांच में किसी प्रकार का वे भेदभाव नहीं करते, सब पुरुषों को एक जैसी समान दृष्टि से देखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मुनिराज के अन्य गुण होते हैं। मूल गुणों की चर्चा अब तक हमने की और मुनिराज के कौन कौन से उत्तर गुण होते हैं इसकी चर्चा हम दौलत राम जी की छेड़ाला के माध्यम से करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं दौलत राम जी। तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय सेवे सदा मुनि साथ मेवा एक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा यो है सकल सही यम चरित सुनिए स्वरूपा चरण अब जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। भावार्थ। वे मुनि 12 प्रकार के तप करते हैं, 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं, सदा रत्नत्रय का पालन करते हैं, दूसरे मुनियों के साथ में या स्वयं एकाकी विचरण करते हैं और सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करते। इस प्रकार मुनि के सकल चरित्र का वर्णन हुआ। अब स्वरूप आचरण चारित्र को कहते हैं जिससे अपनी आत्मा की ज्ञान आदि संपत्ति प्रकट होती है और पर पदार्थों में सब प्रकार की प्रवृत्ति मिट जाती है, अर्थात भौतिक जगत की ओर झुकाव मिट जाता है। तप तपे द्वादश अर्थात मुनिराज 12 प्रकार के तपों को तपते हैं। कौन से हैं वे 12 प्रकार के तप? तो 6 तो होते हैं बहिरंग तप और 6 होते हैं अभ्यंतर तप। बहिरंग तप इसलिए कहा जाता है, बहिरंग तपों का नाम बहिरंग इसलिए है क्योंकि वे बाहर से लोगों को दिखाई देते हैं, बहिरंग द्रव्य के साधन से किए जाते हैं। अन्य मतों में भी उनकी प्रसिद्धि है इसलिए उनका नाम है बहिरंग तप। और अंतरंग तप जो कि अंतरंग में किए जाते हैं, जिन मत में किए जाते हैं, वीतरागता की वृद्धि के लिए किए जाते हैं, वे होते हैं अंतरंग तप। तो 6 प्रकार के बहिरंग और 6 प्रकार के अंतरंग, ऐसे 12 प्रकार के तपों को मुनिराज तपते हैं। कौन कौन से हैं वे 6 बहिरंग तपों के नाम? तो उनके नाम है अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संयासन और काय क्लेश। ये 6 प्रकार के बहिरंग तप है। इनमें प्रारंभ के 4 तप भोजन से संबंधित है और इसके बाद में 6 बहिरंग तपों के बाद में 6 अभ्यंतर तपों के नाम है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। अनशन तप अर्थात 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, उनोदर
अर्थात भूख से कम भोजन करना, ऊन उदर, ऊन अर्थात कम, उदर अर्थात पेट, तो भूख से कम भोजन करना यह ऊनोदर नाम का तप। वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति अर्थात आचरण, उसको परिसंख्यान माने मर्यादा में लाना, माने अनेक प्रकार के अटपटी प्रतिज्ञा लेकर, अनेक प्रकार की आंकड़ियाँ लेकर और भोजन के लिए निकलना कि इस प्रकार से मुझे यदि आहार मिलेगा तो ही मैं ग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं ग्रहण करूँगा। यदि आज मुझे इस प्रकार का दातार मिलेगा अथवा मुझे इस प्रकार के घर का निमित्त मिलेगा अथवा मुझे भोजन में वस्तु मिलेगी अथवा मुझे पड़गान करते समय ये चीज़ होगी तो ही हम आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा यह आहार ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अटपटी प्रतिज्ञा लेकर जो भोजन के लिए निकलना है वह वृत्ति परिसंख्यान। मुनिराज अपने रसना इंद्रिय को जीतने के लिए और अपनी स्वयं की परीक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के अटपटी प्रतिज्ञा लेकर भोजन के लिए निकलते हैं कि जिस रसना इंद्रिय को जीतने के लिए उन्होंने अनशन उनोदर आदि व्रतों का आचरण किया, वो रसना इंद्रिय जीती गई कि नहीं जीती गई, मन वश में हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए वे अनेक अटपटी प्रतिज्ञा लेकर भोजन करते हैं। आज भी हम देखते हैं मुनिराज अनेक प्रकार के अटपटी प्रतिज्ञाएँ लेते हैं और भोजन पर निकलते हैं, उनकी यदि आखड़ी मिलती है तो ही वे आहार ग्रहण करते हैं, अन्यथा वे आहार ग्रहण नहीं करते। इसके बाद में रस परित्याग तप, अर्थात छः प्रकार के जो रस होते हैं उन छः प्रकार के रसों का क्रम पूर्वक त्याग करना। दिन होते हैं 7 और रस होते हैं 6, तो 6 दिनों के अंदर एक एक प्रकार के रसों का त्याग करना और किसी एक दिन हरित काय का त्याग करना, अर्थात अष्टमी चतुर्दशी को हरित काय का त्याग करना, यह रस परित्याग नाम का तप। इसके बाद में है विवेक सयासन, अर्थात किसी एकांत निर्जन तुक प्रासुक स्थान पर शयन आसन करना, जिस स्थान पर स्त्री पुरुषों का आना जाना ना हो, जिस स्थान पर कोई विकथा नहीं करता हो, जो स्थान गुप्त हो, असंयमी जनों से रहित हो। क्यों? क्योंकि मुनिराज को जितना खतरा असंयमी से है उतना अन्य किसी पशु पक्षी से भी नहीं है। वास्तव में मुनिराज जितना असंयमी से डरते हैं उतना पशु पक्षी से भी नहीं डरते, क्योंकि पशु तो मुनिराज के शरीर को ही खाता है लेकिन असंयमी जन मुनिराज के चित्त को और उनके माथे को खा जाता है। यही कारण है कि मुनिराज ऐसे स्थान पर शयन आसन नहीं करते जहाँ पर असंयमी जनों का आना जाना होता है। ऐसे विविक्त प्रासुक स्थान पर शयन आसन करना वह विविक सयासन, और काय क्लेश अर्थात शरीर को सुखिया नहीं बनाना, शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट सहने की आदत होना, यह काय क्लेश नाम का तप। तो ऐसे 6 प्रकार के तप मुनिराज करते हैं और 6 अभ्यंतर तपों को करते हैं। प्रायश्चित तप अर्थात जो भी दोष उन्होंने किए हैं उन दोषों की आलोचना आचार्य परमेष्ठी के समक्ष करना, और जो अपराध का जो दंड देवे आचार्य परमेष्ठी उस दंड को हर्षपूर्वक अंगीकार करना और अपने दोषों की विशुद्धि करना, यह प्रायश्चित तप। चित्त और प्रायः, चित्त की शुद्धि का नाम है प्रायश्चित। तो मुनिराज दोषों के प्रायश्चित को ग्रहण करके अपने चित्त की शुद्धि करते हैं। अगला तप है विनय तप। विनय तप में दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, तप की विनय की जाती है, अर्थात अपने अंतरंग में दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप को धारण किया जाता है, और जो इनके धारक है अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्रवंतों की और तपस्वियों की विनय करना वह भी उपचार विनय कही जाती है। इस प्रकार हमने विनय तप का स्वरूप समझा, और कौन कौन से हैं तप, क्या क्या है 10 धर्म और क्या है रत्नत्रय, इसकी चर्चा हमें कल विराम के बाद करेंगे। जय जिनेन्द्र दर्शकों, छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। प्रायश्चित और विनय तप की हमने चर्चा की। अगला तप है वैयाव्रत। ये तप मुनिराज करते हैं तो एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की वैयाव्रत्ति करते हैं। यदि मुनिराज थक गए हों, मार्ग से आए हो अथवा आहार आदि नहीं मिला हो, किसी दिन अंतराय हो गया हो, तो एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की वैयाव्रत्ति करते हैं, उनको सेवा आदि करते हैं, उनके पाँव आदि दबाते हैं और भी अनेक प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं।
उनको धर्मोपदेश देते हैं, जिस जिस प्रकार से उनका चित्त धर्म में लगा रहे वो सारा कार्य मुनिराज अन्य मुनिराज के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से वैयाव्रत तप मुनिराज का मुनिराज के द्वारा होता है। इसके बाद में अगले तप का नाम है स्वाध्याय। क्या है ये स्वाध्याय तप, इसकी चर्चा हम अनेक बार कर चुके हैं। स्वाध्याय के 5 भेद है, वाचना, प्रचना, आमना, अनुप्रेक्षा, स्वाध्याय। इन 5 भेदों द्वारा स्वाध्याय तप मुनिराज सतत करते हैं। अगला तप है विसर्ग तप, अर्थात शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना, वही है विसर्ग तप। और अंतिम तप है ध्यान। ध्यान ऐसा तप है कि यदि वो सच्चा किया जाए, ध्यान प्रशस्त किया जाए, तो वह स्वर्ग मोक्ष का कारण बनता है। और यदि ध्यान अशुभ होता है तो वह नरक निगोद का भी कारण बन सकता है। ध्यान तो हम आप सब करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान अशुभ ध्यान होता है। और मुनिराज जो ध्यान करते हैं वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को करते हैं। ध्यान 4 प्रकार के कहे हैं, आर्त ध्यान, रोद ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान अर्थात किसी इष्ट के वियोग में, अथवा किसी अनिष्ट के संयोग में, अथवा किसी पीड़ा के निमित्त से, अथवा भविष्य में मुझे भोगों की प्राप्ति हो, इसलिए जो रोने का परिणाम है, दुखी होने का परिणाम है, वह आर्त ध्यान। आर्त माने दुखी होना, रोना। दूसरे शब्दों में कहें तो पेसिमिस्टिक, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो रोने रूप चिंतन है, हर चीज़ में दुखी होना, इष्ट के वियोग में दुखी हो जाना, कोई अनिष्ट का संयोग मान के दुखी हो जाना, शरीर की पीड़ा के निमित्त से दुखी होते रहना, और अभी मेरे पास कुछ नहीं है, भविष्य में मेरे को भोग मिल जाए, आज मैं धर्म कर रहा हूँ, धर्म के निमित्त से आगामी काल में मुझे भोगों की प्राप्ति होती है होगी। तो इसलिए जो चिंतन करना है इस प्रकार का, किसी को इष्ट मान के उसके वियोग का निरंतर चिंतन करना, किसी को अनिष्ट मान के उसके संयोग का, उसके संयोग के कारण से दुख हो गया हो, इस प्रकार का चिंतन करना, ये सब आर्त ध्यान का कारण है। वास्तव में स्थिति तो यह है कि कोई हमारे लिए न इष्ट है न अनिष्ट है। वस्तु को इष्ट अनिष्ट मानना यही मिथ्या कल्पना है। जिसको आज हम इष्ट मानते हैं कल उसको अनिष्ट मानने लगते हैं, जो हमें अनिष्ट लगती है वो कल हमें इष्ट लगने लगती है। हम आप सब गृहस्थी में देखते हैं कि जो पत्नी हमें इष्ट लगती है वही अनिष्ट लगने लगती है। जो पत्नी कल तक शांताबाई दिखती है वही आज ज्वालाबाई दिखने लगती है, जो ज्वालाबाई दिखती है वही शांताबाई दिखने लगती है। इस प्रकार जीवन में वस्तुएं हमारी मान्यता के अनुसार इष्ट अनिष्ट लगती है, वस्तु तो जैसी है वैसी है। तो इष्ट अनिष्ट की मूल में मान्यता झूठी है, इसलिए इष्ट के वियोग में रोना अथवा अनिष्ट के संयोग में रोना वह वास्तव में आर्त ध्यान का कारण है, दुख का कारण है। और शरीर की पीड़ा अर्थात शरीर में ममत्व करके उसके निमित्त से भी रोना वह भी दुख का कारण है। भविष्य में मुझे भोगों की प्राप्ति होगी, मतलब अभी मैं अभाव का अनुभव कर रहा हूँ तो अभी अभाव है, अभाव का अनुभव करना वह दुख का कारण है। ये सब आर्त ध्यान पाप बंध के कारण है, तिरंज गति के कारण है। इसके बाद में रोद ध्यान। रोद्र माने रुद्र परिणाम होना, क्रूर परिणाम होना। पाप करे और उसमें आनंद माने, जैसे उदाहरण के लिए हिंसा करे और उसमें आनंद माने। कई बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं उसमें अनेक मनुष्यों को मार डालते हैं और बड़े आनंदित होते हैं, देखिए कितने क्रूर भाव है। व्यर्थ में मनुष्यों को मार के और आनंदित होना, किसी को भी मारने में आनंदित होना, इससे बड़ी क्रूरता और कुछ नहीं हो सकती। यदि हम दुनिया का हित नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते, तो हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और बुरा भी हो रहा हो और उसमें आनंद मनाए तो यह डबल पाप है। इसलिए कहा गया है कि मारने में आनंदित होना एक क्रूर परिणाम है, रोद्र परिणाम है, हिंसानंदी नाम का रोद्र ध्यान है। इसी प्रकार झूठ बोलने में, चोरी करने में आनंद मानना, परिग्रह के संचय करने में आनंद मानना, जो जो परिग्रह बढ़ता जाए त्यों त्यों अधिक अधिक आनंदित होना, यह परिग्रह आनंद नाम का रोद्र ध्यान है, नरक गति का कारण है। इस संसार में सारे संसाधन सीमित है, यदि सारे संसाधन मनुष्य अपने पास रख लेगा तो अनेक लोगों को भूखे मरना पड़ेगा, क्योंकि वस्त्र भी सीमित है, भोजन सीमित है, जमीन सीमित है। यदि सारी जमीन हमने कब्जे में कर ली, सारा वस्त्र हमारे पास आ गया, सारा भोजन हमारे पास आ गया, तो अनेक लोगों को भोजन वस्त्र मकान से वंचित होना पड़ेगा। और आज हम अनेक लोगों को भोजन वस्त्र मकान से वंचित भी देखते हैं और फिर भी हमें उनके प्रति करुणा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि ये भाव उत्पन्न होता है कि ये बिल्कुल हीन मनुष्य है, छोटे लोग हैं। तो इस प्रकार का जो भाव है वो क्रूर परिणाम है, रोद्र ध्यान है। तो मुनिराज ऐसे रोद्र ध्यान को, आर्त ध्यान को नहीं करते, वे करते हैं धर्म ध्यान को और शुक्ल ध्यान को, जिस धर्म और शुक्ल ध्यान के फल से स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से 12 प्रकार के तपों को मुनिराज तपते हैं। तप तपे धरे वृष दश, अर्थात मुनिराज 10 लक्षण धर्म को धारण करते हैं, उत्तम क्षमा को धारण करते हैं। उत्तम क्षमा धर्म का चिंतन ध्यानत राय जी ने जो किया है, ऐसी उत्तम क्षमा धर्म को मुनिराज धारण करते हैं। अर्थात
अनेक प्रकार के दुष्ट उनको पीड़ाएं भी देते हैं तो भी मुनिराज उसके ऊपर क्रोध नहीं करते। जैसा कि ध्यानत राय जी ने कहा है, पीड़े दुष्ट अनेक, अर्थात अनेक प्रकार के दुष्ट अनेक प्रकार की पीड़ा देवे, बांधे, मार देवे और अनेक प्रकार से सतावे, कोप न कीजे पीतमा, धरिये क्षमा विवेक। अर्थात मुनिराज क्षमा रूपी विवेक को अपने हृदय में धारण करते हैं और कोप अर्थात गुस्सा नहीं करते। और भी दौलत ध्यानत राय जी ने कहा है, काली सुन मन खेद नानो, अर्थात मुनिराज कोई यदि उनको गाली भी देता है तो उसके प्रति मन में खेद भाव नहीं लाते। गाली सुनकर उसका तीन प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है। गाली का उत्तर गाली से दिया जा सकता है, गाली का उत्तर चाटे से दिया जा सकता है और गाली सुनकर मन में दुखी भी हुआ जा सकता है। लेकिन मुनिराज तीनों प्रकार से उसका प्रतिकार नहीं करते। अर्थात मुनिराज न तो गाली का जवाब गाली से देते हैं, न गाली के बदले में चाटा मारते हैं, नहीं मुनिराज गाली सुन के किसी प्रकार का मन में खेद भाव लाते हैं। मुनिराज को मन में उसका खेद भी उत्पन्न नहीं होता, मुनिराज को रंच मात्र भी उसके दुख नहीं होता। वे मानते हैं कि गाली तो पुद्गल की भाषा वर्गणा का परिणमन है, यह आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है और यदि हमने इसको ग्रहण ही नहीं किए तो जिसकी वस्तु जिसके पास। यही कारण है कि मुनिराज को किसी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं होता। गाली सुन मन खेद ना आनो, मुनिराज के कोई गुणों का अवगुण रूप में बखान करे और इतना ही नहीं उनको बांधे, मारे, वस्तु छीन ले, यहाँ तक कि शरीर का भी विदारण कर दे, शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट पहुँचाए, मार भी डाले तो भी मुनिराज उसके प्रति कोई प्रकार का गुस्सा नहीं करते। ये वे ये विचार करते हैं कि जे कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा, अर्थात जो कर्म हमने पूर्व काल में बांधे हैं ये वास्तव में उसका फल मिल रहा है और ये कर्म वास्तव में खिड़ने के लिए आया है। पाप कर्म का उदय तो नष्ट होने के लिए आया है और मेरे कर्जे का नाश हो रहा है और ये तो मेरे ही बांधे हुए कर्म का उदय है, वास्तव में सामने वाले जीव का कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार का विचार मुनिराज करते हैं और उस क्रोध रूपी अग्नि को समता रूपी अमृत से बुझा डालते हैं। जे कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि, क्रोध है अग्नि जो स्वयं को जलाती है और दूसरे को भी जलाती है। दूसरा जले या ना जले, लेकिन जिस मनुष्य के अंतर में क्रोध उत्पन्न होता है वह उस मनुष्य को अवश्य जलाती है। तो मुनिराज इस प्रकार का क्रोध नहीं करते, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी और समता रूपी जल से उसको जीत लेते हैं। इसी प्रकार मुनिराज मान कषाय नहीं होती, अर्थात मुनिराज किसी प्रकार का मान नहीं करते। और क्या क्या मुनिराज के गुण होते हैं इसकी चर्चा हम अल्प विराम के बाद करेंगे। तब तक के लिए आप देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र छेड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। मुनिराज के मूल गुणों की चर्चा हमने की और मुनिराज के उत्तर गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं। मुनिराज 12 प्रकार के तपों को पालते हैं और मुनिराज 10 धर्मों को धारण करते हैं। 10 धर्मों में उत्तम क्षमा धर्म की हमने चर्चा की। मुनिराज उत्तम मार्दव धर्म को धारण करते हैं। उत्तम मार्दव अर्थात तीन प्रकार का जो मान है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण मान, मुनिराज इन तीन प्रकार के मान को नहीं करते। मुनिराज धन आदि परिग्रह के त्यागी होते हैं तो वे धन के निमित्त से मत कैसे कर सकते हैं। उसी प्रकार मुनिराज धन का, कुल का, जाति का, रूप का, ज्ञान का, बल का, ऐश्वर्य का, तप का, ज्ञान का, इनका मद नहीं करते। मुनिराज ज्ञान अधिक होने पर अपने को बड़ा नहीं मानते, मुनिराज ज्ञान कम होने पर अपने को छोटा नहीं मानते। मुनिराज दोनों स्थिति में समभाव रखते हैं। उसी प्रकार से मुनिराज अपने को जाति कुल आदि के निमित्त से बड़ा छोटा नहीं मानते, मुनिराज रूप आदि के निमित्त से अपने को बड़ा छोटा नहीं मानते, तपश्चरण आदि के निमित्त से अपने को बड़ा छोटा नहीं मानते। अनेक लोग ये मानते हैं कि केवल बड़प्पन करना ही मान कषाय है, लेकिन वास्तव में बड़प्पन मात्र मान कषाय नहीं है अपितु दीनता भी मान कषाय का ही रूप है। अपने को चाहे बड़ा मानना हो चाहे छोटा अनुभव करना हो, ये दोनों मान कषाय के रूप है। अन्यथा जो लोग अपने को अत्यंत दीन, दरिद्री, हीन अनुभव करते हैं वे सब मार्दव धर्म के धनी हो जाएंगे, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। मुनिराज तो सभी आत्माओं को समान देखते हैं, वे किसी को छोटा बड़ा देखते ही नहीं। वे ना अपने को किसी से बड़ा देखते हैं ना किसी से अपने को छोटा देखते हैं।
द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा वे सब आत्माओं को समान देखते हैं। यही कारण है कि उनके उत्तम आर्जव धर्म बड़ी अच्छी तरह से प्रस्फुटित होता है और मुनिराज के उत्तम आर्जव होता है, अर्थात वे किसी प्रकार का छल कपट नहीं करते। मुनिराज के लौकिक कोई प्रयोजन रहा नहीं है, मुनिराज के ख्याति पूजा लाभ का कोई प्रयोजन नहीं है। यही कारण है कि मुनिराज धन आदि के निमित्त से होने वाला जो छल कपट है उसे नहीं करते, और भी अन्य प्रकार का जो छल कपट है वे मुनिराज नहीं करते। मुनिराज के जो मन में होता है वही वे वचन से बोलते हैं, जो वचन से बोलते हैं वही वे काया से करते हैं। वे ऐसा नहीं करते कि किसी के सामने कुछ और बोलेंगे और पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे। जो उसके सामने बोलेंगे वही उसके पीठ पीछे बोलेंगे, जो पीठ पीछे बोलेंगे वही उसके सामने बोलेंगे। किसी प्रकार का छल कपट मुनिराज के जीवन में नहीं होता। ये होता है उनका उत्तम आर्जव धर्म। अगले धर्म का नाम है उत्तम शोच धर्म। शोच अर्थात मुनिराज के किसी प्रकार का लोभ नहीं होता। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में मुनिराज के लोभ कषाय नहीं बढ़ती। केवल संजलन जाति की लोभ कषाय है जो कि अत्यंत मंद है। चूंकि मुनिराज ने समस्त धन आदि परिग्रह का त्याग कर दिया है, उनका जीवन अत्यंत संतोषमय है, इसलिए उनके जीवन में शोच धर्म का सहज पालन होता है। शोच का अर्थ होता है शुचिता। तो शुचिता न केवल क्रोध मान माया के अभाव में अपितु लोभ कषाय के अभाव में प्रकट होती है, क्योंकि क्रोध मान माया के अभाव होने पर भी लोभ कषाय शेष रह सकती है। लेकिन लोभ कषाय का जिसके अभाव होता है उसके नियम से चारों कषायों का अभाव हो जाता है। यही कारण है कि लोभ कषाय के अभाव को शोच धर्म कहा है। इसके बाद में सत्य धर्म। मुनिराज उत्तम सत्य धर्म का पालन करते हैं और संयम का पालन करते हैं, अर्थात इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों प्रकार के संयम का पालन करते हैं। 12 प्रकार के तपों का अनुष्ठान करते हैं। समस्त प्रकार के अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करते हैं। आकिंचन अर्थात परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसी वृत्ति उनकी सदैव बनी रहती है। और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं। स्त्री से अनेक कोषों दूर रहते हैं, किसी स्त्री को अपने पाँव से स्पर्श नहीं होने देते। अर्थात कोई स्त्री यदि उनके पाँव पढ़ना चाहे और पाँव का स्पर्श करना चाहे तो मुनिराज उसको अपने पाँव का स्पर्श नहीं करने देते। यदि किसी स्त्री का स्पर्श भी हो जाए तो मुनिराज उसके प्रायश्चित स्वरूप एक दिन का उपवास अथवा अनेक प्रकार के उपवास को धारण करते हैं। तो मुनिराज सचेतन अचेतन समस्त प्रकार की स्त्रियों के त्यागी होते हैं और कठोर से कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। स्वप्न में भी उनके ब्रह्मचर्य स्खलित नहीं होता, ऐसा अद्भुत ब्रह्मचर्य धर्म मुनिराज पालन करते हैं। ये होते हैं 10 धर्म। तो इस प्रकार हमने 10 धर्मों की चर्चा की। ये 10 धर्म मुनिराज धारण करते हैं। इन 10 धर्मों की चर्चा जिनागम में संवर तत्व के अंतर्गत की गई है, और संवर तत्व गुप्ती समिति के साथ होता है जो कि मुनिराज के पालन होता है। तप तपे द्वादश धरे वृषदश, अर्थात 10 प्रकार के धर्म का सेवन करते हैं। और रत्नत्रय सेवे सदा, अर्थात रत्नत्रय को मुनिराज अपने अंतरंग में धारण करते हैं, रत्नत्रय का सेवन करते हैं। क्या है वे रत्नत्रय? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही है मुनिराज के 3 रत्नत्रय। लौकिक जीवों के अनेक रत्न होते हैं, लेकिन सब वे रत्न जड़ होते हैं, अचेतन होते हैं, और वे रत्न तो पृथ्वी कायिक का शरीर होते हैं, और उन रत्नों के अंदर तो अल्प चमक होती है, जिन चमक के कारण अनेक गुंडे बदमाश चोर चकार लोग पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मुनिराज के ऐसे रत्न होते हैं कि जिन रत्नों की प्रभाव पूरे 3 लोक में व्याप्त हो जाती है। वे रत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिन रत्नों को कोई चुरा नहीं सकता, जिन रत्नों के पीछे कोई किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, बल्कि जो जो उन रत्नों को बांटते हैं, जो जो रत्नत्रय गुणों का प्रकाश करते हैं, त्यों त्यों और गुणों की वृद्धि होती है। इस प्रकार से मुनिराज 3 रत्नों को धारण करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तप तपे द्वादश धरे वृषरस रत्नत्रय सेवे सदा, और मुनि साथ में वह एक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा। मुनि अनेक मुनियों के साथ में विचरण करते हैं और एक विचरण करते हैं, अर्थात चतुर्थ काल में जो उत्तम सहनन के धारी मुनिराज होते थे वे अकेले भी विचरण करते थे। और चहे नहीं भव सुख कदा, अर्थात मुनिराज कभी भी संसार के सुखों की चाहत नहीं करते। अब तक हमने वर्णन किया मुनिराज के बहिरंग जीवन का, अब हम वर्णन करेंगे कैसा होता है मुनिराज का अंतरंग जीवन। आगे हम मुनिराज की अंतरंग वृत्ति का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार। 12 प्रकार के बहिरंग एवं अंतरंग तप, उत्तम समाधि दश धर्म
एवं सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय मोक्ष के कारण हैं। मुनिराज इनको सदा अपनाते हैं एवं सांसारिक सुखों की कभी इच्छा नहीं करते। हमें भी मोक्ष के साधनों को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए।